दोस्तों, आज हम आपको रंधा मशीन के ब्लेड कैसे तेज़ किए जाते हैं उसकी जानकारी देंगे। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो ब्लेड हैं ये हमने 12-13 की चाबी से खोल लेने हैं। हमारे मशीन में तो 12-13 की चाबी लगती है, आपकी मशीन में क्या लगती हुई है हमें वो तो आपकी मशीन के हिसाब से जो नट बोल्ट दिए हैं उसके पता लगेगा। हम इसको रिमूव कर लेते हैं। इसके चार नट होते हैं, ये ब्लेड खोल लेते हैं ऐसे। ये हमने ब्लेड बाहर आ गया हमारा, उसके बाद ये निकाल लेंगे। इसके बाद ये ब्लेड करने वाला कटोरा होता है, ये लगा लेंगे। वीडियो बंद कर ले थोड़ी। इसके बाद ये स्कंजा होता है, स्कंजे में ब्लेड कस लेने हैं ताकि ब्लेड इधर उधर ना झूले। अगर आप ऐसे ही करोगे तो ब्लेड की जो गुनिया होता है वो ख़राब हो जाएगा और आपको चोट लगने का भी डर रहता है। कृपया इस स्कंजे में जो मशीन के साथ मिलता है इस टूल में आपको ब्लेड कस लेने हैं। वीडियो पूरी देखें, देख लेते हैं और हम इसकी सेटिंग कर लेंगे जहाँ पे हमारा ब्लेड की सेटिंग हो मशीन की। बंद कर ले थोड़ी देर। और ये हमारा यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली इसकी, तो अब हम मशीन चला के इसकी धार लगा लेते हैं। और देखिए दोस्तों, ये हमने ब्लेड की धार लगा दी है ये ब्लेड, और इसके इस तरफ बाल आ गया है। ये वाला बाल आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको पता लगेगा, और इसका मतलब हमारा ब्लेड ये तेज़ हो चुका है। और आप इसके बाद जैसे आपने ब्लेड खोले ऐसे फिट कर सकते हैं। बस यही प्रोसीजर होता है ब्लेड तेज़ करने का। अगर कुछ आपको पूछना हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।